बड़ी से बड़ी प्रक्रिया भी आपको मोहित न करे, बड़ा से बड़ा यश भी आपको प्रभावित न करे। अरे हमारे पास कितने आकर्षण आते हैं, हमारे पास कितने प्रलोभन आते हैं, कितने प्रस्ताव आते हैं। राजनीति के लोग, बड़े से बड़े उच्च स्थिति स्तरीय स्थान पर बैठे हुए लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और हमारे गायत्री परिवार का मत लेने की कोशिश करते हैं कि उनका वोट मिल जाए, वोट मिल जाए, वोट मिल जाए। कभी भी हमने उनका साथ नहीं दिया, कभी भी हम किसी का साथ नहीं दिया। कोई भी आकर्षण तुम्हें प्रभावित न करने पाए, यदि तुम गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हो, चलो धीरे धीरे चलो, कोई बात नहीं। पर विजय तुम्हारे हाथ, विजय तुम्हारे साथ। विजय इसलिए साथ में है कि नीति का रास्ता कभी मत छोड़ना, नीति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना। कालचक्र की गति को कोई नहीं रोक सकता। कर्मानुसार जो होगा, हमने जो कर्म किए घटित फलित होंगे। रोग आएंगे, पीड़ा आएंगी, सुख दुख के अवसर आएंगे, पर भगवान तत्व रूप में कहाँ रहेंगे? भगवान तत्व रूप में शरीर से कहीं भी रह सकते हैं, कुटिया में रह सकते हैं, नदी किनारे रह सकते हैं, पर तत्व रूप से वो सबके लिए विद्यमान है, तत्व रूप से वो सबके लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा, आपका स्वरूप तो नेति नेति है प्रभु, अविगत अकथ अपार, नेति 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 निगम का, अव्यक्त है, अकथनीय है, सबसे पार। भगवान आगे कहते हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। भगवान आप तो प्रभु हैं, परमात्मा हैं, आप तो परब्रह्म परमात्मा हैं, त्रिदेवों के भी सृष्टा हैं, आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं। ये वाल्मीकि बोल रहे हैं। अब यहां थोड़ा संशय होता है, ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि त्रिदेवों के भी अधिपति परमात्मा है। इसलिए विष्णु का अवतार जब राम के रूप में होता है तो श्री राम फिर विष्णु नहीं रह जाते, श्री राम इन तीनों देवों से परे चले जाते हैं और श्री राम बन करके वो भगवान बन जाते हैं। भगवान यानी परब्रह्म, परमात्मा, ऐश्वर्यशाली सत्ता। फिर वो विष्णु नहीं है, फिर वो उससे भी ऊंचे हैं, फिर उससे भी परे हैं। ठीक है ना, ये समझने की कोशिश करना कि जो कह रहे हैं ना वो, कि फिर तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले तत्व रूप में श्री राम परमात्मा हैं, त्रिदेवों की भी सृष्टा हैं। मूर्ति रहस्य प्रकरण आता है दुर्गा सप्तशती में, उसमें भगवान ये कहते हैं, देवी ये कहती हैं कि आराध्य को तत्व रूप में सारे देवों की, लोगों की उत्पत्ति उसी से हुई है, उसी रूप में जाना, वही जान सकता है जिसे आप जाना सकते हैं, जिसे आप बता सकते हैं, जिसे आप बता सकती हैं मां माया। तो इसी बात को वाल्मीकि जी ने कहा है, सोई जानहि जहि देह जनाहि, जानत तुम्हि तुम्हि वही जाहि, है ना। ये अपनी गायत्री चालीसा का एक वो भी है, तुमरी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत उड़ चंदन। भगवान आपको कौन तत्व से जान सकता है? जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। यही जान ही, सोई जान ही यही देह जना ही, जिसको आप जना देते हैं, बता देते हैं कि मैं हूं, मैं कौन हूं, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन काव्य है, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। प्रभु की कृपा नहीं हो तो भक्त प्रभु भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। ये पूरी भूमिका चल रही है आज पूरी की पूरी। आराध्य को तत्व रूप में सारे देवों की, लोगों की उत्पत्ति हुई है इसलिए, और भगवान ने देवों के हित के लिए ये रूप धारण किया है। तो भगवान एक क्या बात कहते हैं आगे, राम देख ही सुन चरित तुम्हारे, तुम्हारी जो सबसे पहली बात तो जो उन्होंने कहा है कि आपकी जो देह है वो साधारण देह नहीं है, मिट्टी की नहीं है, चिन्मय काया है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरे संत सुर काजा, कहो करो जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, आपकी देह चिन्मय है, आपकी देह सामान्य मिट्टी की काया नहीं है, पंच तत्वों की काया नहीं है। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहई बुद्ध होई सुखाय। अगर किसी को रामायण आती हो तो इसका अर्थ बता सकता है मुझे, जड़ मोहई मोहई बुध होई सुखारे, बताओ। जड़ तो मोहित हो जाते हैं और बुध यानी ज्ञानी सुख को प्राप्त होते हैं। वो सिंपल सी अवधि भाषा है, इस अवधि भाषा में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कठिनाई नहीं है। आपके बारे में जानने के बाद, आपकी लीला को जानने के बाद जड़ तो मोहित हो जाते हैं, पहचान ही नहीं पाते। वो तो क्या करते हैं, गुरुजी के कमरे में जाते हैं तो गुरुजी भी हमारे तरह खाना खाते थे, हे भगवान। गुरुजी के कमरे में भी टॉयलेट है, गुरुजी को भी टॉयलेट जाना पड़ता था, हे भगवान। छिपकलियां, गुरुदेव कमरे में छिपकलियां थी, गुरुजी भी हमारे तरह छिपके कुर्ता पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। जड़ लोग हैं, मोहित हो जाते हैं, तर्क भी करते हैं तरह तरह के। राम ने ऐसा क्यों किया, राम को धोबी की बात नहीं मानना चाहिए थी, राम ने ऐसा क्यों किया, राम ने सीता जी को अग्नि परीक्षा से क्यों गुजारा। अरे लीला को तुम नहीं समझ पाओगे, उस लीला की गहराई में जाओ,
तब पता चलेगा। रामकृष्ण ने ऐसा क्यों किया? वो इतनी सारी मिठाई क्यों खाते रहते थे? तुम्हें क्या पता क्यों खाते रहते थे? तुमको उनकी लीला नहीं समझ में आ रही? उस लीला के माध्यम से उन्होंने न जाने कितनों शिष्यों को जोड़ा, ये नहीं समझ में आ रहा। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? कृष्ण ने इतने सारा रास रचाया, इतनी सारी रानियां रची बनाई और ये सब क्यों किया? अरे ये लौकिक लीला है, लौकिक। लौकिक के पीछे अलौकिक पक्ष है पूरा के पूरा। ज्ञानी अपने अपने ढंग से तर्क देते हैं, परंतु उसी में सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। घटनाओं से परे ऊर्जा क्रियाशील होती है, सात्विक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। तो हम क्या करें? सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करें। हर घटना भगवान से जुड़ी माया की जो घटनाएं हैं उनके पीछे जो ऊर्जा निकलती है उसकी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं? नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाते हैं। ऋषि घटनाओं के पार देव विधान देख लेता है, पर वो देव विधान हमेशा मंगलमय होता है। श्री अरविंद का पेड़ टूट गया, किसी एक ने फ्रैक्चर हो गया, किसी एक ने कहा भगवान आपका भी पेड़ टूट सकता है, भगवान बड़ा निष्करुण है और आपका पेड़ टूट गया। तो उन्होंने एक वाक्य लिखा जो सबके लिए है, जो भगवत विधान को समझता है वह भगवत कृपा को समझता है, जो भगवत विधान को समझता है वह भगवत कृपा को समझता है। भगवत विधान हमारे हित में होगा। जैसे मैंने कहा था कि गुरुदेव की कील लगी और गुरुदेव ने एक पूरा का पूरा किताब लिख डाली। गुरुदेव के पाँव में शियाटिका का दर्द हुआ, उस शियाटिका के दर्द के दौरान गुरुदेव ने पूरा पूरा ग्रंथ लिख डाला, पूरा पूरा ग्रंथ। उस ग्रंथ के बारे में बाद में बताऊंगा मैं तुमको, उसके बारे में बड़ा महत्व है। वो दोनों को वो तत्व से समझता है। भगवान जानते हैं सभी भगवान को। देखिए भगवान को जन्म देने वाले कौन थे? कौन थे भगवान जन्म देने वाले? श्री कृष्ण भगवान को जन्म देने वाले कौन थे? वसुदेव और देवकी। वो दोनों दोनों जेल में रहे और जेल में ही तंग होते रहे पूरी तरह से। भगवान को जन्म देने वाले माता पिता वो भी त्रास सहते रहे। और इस बात पे कोई भी तर्क कर सकता है कि भगवान के माता पिता भी त्रास सहते रहे, कष्ट। भगवान के माता पिता क्यों कष्ट मिलता रहा और वो इतना ऐश्वर्य क्यों भोगते रहे? ये सारी की सारी लीलाएं जो है इनके पीछे के रहस्य होते हैं। ज्ञानी निरहंकारी होता है और उसमें अगर कहीं मैं आ जाए, मैं ही माया है, मैं ही सब कुछ हूं, मेरा ज्ञान, मेरी लीला, मेरे सब कुछ। भगवान का कोई संकल्प नहीं होता। सर्वारंभ परित्यागी, भगवान क्या सभी आरंभों का परित्याग करने वाले हैं। भगवान कोई संकल्प नहीं होता, उनके जीवन में भी दुख शोक आते हैं। मीरा के जीवन में भगवत विधान से कष्ट आए तो मीरा ने कैसे लिया? खुशी के साथ लिया, प्रसन्नता के साथ लिया। शिकायत होती है तो भक्ति नहीं, और भक्ति होती है तो शिकायत नहीं। सबसे प्रथम बात याद, शिकायत होती है भगवान बड़ा दुष्ट है, निष्ठुर है, हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, हमारी मेमोरी ठीक नहीं है, हमको देखो ये नहीं है, कोई हमसे बात ही नहीं करता, ये शिकायत नहीं। भगवान के प्रति भक्ति रखी तो फिर शिकायत नहीं करना, भक्ति को बराबर बढ़ाते चले जाना। वेदांत और उपनिषद को समझ लेना आसान है, सिंपल सी फॉर्मूला है, सीधी सरल बात है, पर लीला कथाओं को तत्व से जान लेना अति दुष्कर है। ये जो महामाया की अटखेलियां ही लीला है, महामाया की अटखेलियां ही लीला है। कभी प्रसंग चलेगा तो मैं बताऊंगा तुमको कि गोपियां कौन हैं और किस तरह से हमारे अंदर कृष्ण और राधिका हमारे अंदर बैठी हैं। ब्रजभूमि में श्री कृष्ण, तो ब्रजभूमि में श्री कृष्ण महामाया तीन रूपों में आई उनका साथ देने के लिए। वहां से निकली, जेल से निकली, उनको लाया गया ब्रजभूमि में भगवान का काम में मदद करने के लिए। सब लोग आते हैं मदद करने के लिए, सब साथी आते हैं, असिस्टेंट सब आते हैं। भगवती योग माया ने तीन रूप धारण की, एक कात्यायनी रूप में कुलदेवी बनी, एक कात्यायनी रूप में कुलदेवी बनी।